हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत होंगे। दोस्तों, पंड्या स्टोर से रिलेटेड एक खबर आ रही है जिसमें चीकू और ईशा का जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, ये दोनों क्विट करने जा रहे हैं शो। तो ये खबर कितनी सही है, तो ऑब्वियसली ये दोनों का स्क्रीन टाइम काफ़ी ज़्यादा कम है, जैसा कि हम सभी को पता ही है, देखने को भी मिलता है। तो ये दोनों का स्क्रीन टाइम काफ़ी कम है, इस वजह से ये दोनों ने ये डिसाइड किया है कि हम क्विट कर देंगे, किसी अच्छे प्रोजेक्ट से जुड़ेंगे दूसरे जिसमें उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो। तो ऑब्वियसली मेकर्स को ये मेनटेन करना चाहिए कि सिर्फ धवल नताशा को ना दिखा के ईशा और चीकू का भी एक मतलब अलग स्टोरी जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करके दिखाया जाए। वैसे पंड्या स्टोर में शुरू से ये सारी दिक्कतें रही हैं, तो यही दिक्कत फिर से आ रही है। और रही बात शो के ऑफ एयर होने की, तो ये सारी उथल पुथल होने से इट में भी पॉसिबल कि शो मतलब ऑफ एयर होने का खतरा शो पे बना है, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि धवल के जो मतलब धवल और नताशा के जो फैंस हैं वो उन दोनों को देखने के लिए ही शो देखते हैं, तो काफ़ी मतलब इंटरेस्टिंग है देखना आगे की क्या होगा। और शो ऑफ एयर होने के चांसेस मुझे कम लगते हैं, क्योंकि शो जो है वो शो स्टॉपर है, मतलब अपने टाइम का जो है स्लॉट किंग बना हुआ है। और टीआरपी थोड़ी ऊपर नीचे चलती रहती है, तो देखते हैं क्या होता है। वैसे नहीं होना चाहिए ऑफ एयर। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।